एक कमरे इम्तिहां में बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्जों पर उंगलियां घुमाते हैं, या सवालनामे को देखते ही जाते हैं, या सवालनामे को देखते ही जाते हैं, हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं, शायद शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए, शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए, बेनिशान जवाबों का कुछ पता ही चल जाए। मुझको देखते हैं तो, मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कॉपी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चों के सब जवाब आते हैं। इस तरह के मंजर में इम्तिहान गाहों में, इस तरह के मंजर में इम्तिहान गाहों में देखता ही रहता हूँ, नकल करने वालों के नित नए तरीकों से, नकल करने वालों के नित नए तरीकों से आप लुत्फ लेता था, दोस्तों से कहता था, किस तरह से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों का एक सवाल आया है, वक्त की अदालत में जिंदगी की सूरत में, वक्त की अदालत में जिंदगी की सूरत में ये जो तेरे हाथों में एक सवालनामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है, कुछ समझ में आया है, जिंदगी के पर्चे के सब सवाल लाजिम हैं, सब सवाल मुश्किल हैं, बेनिगाह आँखों से देखता हूँ पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्जों पर उंगलियां घुमाता हूँ, हाशिए लगाता हूँ, दायरे बनाता हूँ, या सवालनामे को देखता ही जाता हूँ, या सवालनामे को देखता ही जाता हूँ, एक कमरे इम्तिहान में।